दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 में कल सुपर सैटरडे में खेले गए दोनों महामुकाबलों में लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के बाद आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में हमें काफी सारे बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए दीपक चहर की रिप्लेसमेंट की यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2022 में कल सुपर सैटरडे में खेले गए दोनों महामुकाबलों को लेकर। जहां पर पहला महामुकाबला हमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच मुंबई के ब्रैबर्न स्टेडियम में देखने को मिला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच रहा। हाई स्कोरिंग मैच हमें यहां पर देखने को मिला। खिलाड़ियों की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। केएल राहुल ने यहां पर शतक जड़ा और वही इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 रनों से बहुत ही शानदार अंदाज से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा महामुकाबला हमें दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिला। वह मैच भी हाई स्कोरिंग रहा। उस महामुकाबले में दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बलबूते पर यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने काफी रोमांचक अंदाज से 16 रनों से इस महामुकाबले में जीत दर्ज की। और सुपर सैटरडे में खेले गए दोनों महामुकाबलों के बाद आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में हमें काफी सारे बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। जी हां, इन दोनों महामुकाबलों के बाद आईपीएल 2022 की जो पॉइंट टेबल है उस पॉइंट टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे। जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि महामुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है। वही दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी कल यहां पर टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आई है। दोनों टीमों का यहां पर बड़ा बेनिफिट, उनका जो नेट रन रेट है वो भी यहां पर काफी पॉजिटिव में गया। वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस टीम के नसीब में अभी तक पहली जीत नहीं आई है पॉइंट टेबल में, यह टीम 10वें नंबर पर है। वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर। इन दोनों महामुकाबलों के बाद सभी टीमों की स्टैंडिंग्स यहां पर पूरी तरह से बदल गई और सभी टीमों को आप सभी लोग पॉइंट टेबल पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑरेंज कैप रेस के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑरेंज कैप फिलहाल यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम के ओपनर बल्लेबाज जोस पटेल के पास मौजूद है, जो 5 महामुकाबलों में 272 रन बना चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पल कैप रेस के बारे में। तो पर्पल कैप फिलहाल राजस्थान रॉयल्स टीम के स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल के पास मौजूद है, जो 5 महामुकाबलों में 12 बड़े विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 में आज होने वाले महामुकाबलों को लेकर। जहां पर आज हमें सुपर संडे देखने को मिलने वाला है, दो महामुकाबले होने वाले हैं। पहला महामुकाबला में भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हमें मुंबई के डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। वह मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वे अपने पिछले तीनों महामुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लगातार जीत दर्ज करके आईपीएल 2022 में बाउंस बैक किया। वही दूसरी तरफ पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस यहां पर जरूर अच्छा, लेकिन थोड़ी सी यहां पर यह टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते इन दोनों टीमों के बीच तगड़ी टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों सुपर संडे का दूसरा महामुकाबला में शाम को 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हमें पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में देखने को मिलेगा। वह मैच भी काफी शानदार होगा। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की टेबल टॉपर है। वही दूसरी तरफ सीएसके की टीम पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर है। केवल एक जीत यहां पर सीएसके की टीम को मिली है, वह जीत काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के लिए जो जीत है वो काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी आप सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2022 में कुल 6 महामुकाबले खेल लिए हैं। 6 के 6 महामुकाबले में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के
इस टीम के जो चांसेस वो यहाँ पर काफी कम हो चुके हैं। फिलहाल ये टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर, और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा यदि यह टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना चाहती है तो इस टीम के भाई 8 मैच यहाँ पर बच गए हैं और 8ों के 8ों महामुकाबलों को जीत कर ही यह टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए अब की बार यहाँ पर टीम के पास 16 पॉइंट्स होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, जीएससीके को लेकर बड़ा अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। पर आप सभी को पता है कि मेगा ऑक्शंस के दौरान इस टीम ने अपनी टीम में 14 करोड़ रुपए में दीपक चार को शामिल किया था। अपनी इंजरी से वो रिकवर होने ही वाले थे, लेकिन उस रिकवरी से जस्ट पहले वो बैक इंजरी का शिकार हो गए, जिसके चलते ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर यह अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आईपीएल 2022 के आगामी मैचों के लिए दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। दृश्य में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने उनकी आईडियल रिप्लेसमेंट की भी यहां पर तलाश शुरू कर दी है। सीएसके की टीम ने ऐसा अपडेट दे दिया कि आरजी यानी संडे को भाई दीपक चहर की रिप्लेसमेंट जारी कर दी जाएगी, जहां पर दो खिलाड़ियों पर टीम की निगाह, जहां ईशांत शर्मा या फिर धवल कुलकर्णी, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल 2022 में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है लखनऊ सुपर जेंट्स टीम के कप्तान केएल राहुल को लेकर। कल के मुकाबले में केएल राहुल को यहां पर जीत तो जरूर मिली, लेकिन जीत के बाद यहां पर बीसीसीआई ने एलएसजी टीम के कैप्टन को यहां पर तगड़ा झटका दिया। स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर केएल राहुल के ऊपर लगा है। हालांकि उनसे पहले काफी सारे कैप्टन के ऊपर ऑलरेडी यह जुर्माना लग चुका है, और रोहित शर्मा पर तो भाई यहां पर 2 बार जुर्माना लग चुका है। तीसरी बार अगर वो गलती करते हैं, स्लो ओवर रेट उनकी टीम में आते हैं, तो ऐसे में यहां पर उनको 1 मैच से बैन भी किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 की क्लोजिंग शेयर मनी को लेकर। कल बीसीसीआई ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है कि आईपीएल 2022 के में क्लोजिंग शेयर मनी देखने को मिलेगी। 29 मई को आईपीएल 2022 की एंडिंग होने वाली है, उसके जस्ट बाद हमें आईपीएल 2022 की क्लोजिंग शेयर मनी देखने को मिलेगी। हालांकि किस तरह से यहां पर क्लोजिंग शेयर मनी को कंडक्ट किया जाएगा उसके ऊपर अभी तक बीसीसीआई ने किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन दोस्तों जैसे ही किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है आज 17 अप्रैल 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों को आपके क्या ओपिनियन, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।